हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि शरीर की देखभाल करने के लिए और त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए दादी और नानी माँ के नुस्खों से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब भी बच्चों की देखभाल करनी होती है तो हम नए नए तरीके खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन तरीकों के कई और नुस्खे भी हैं जो आप अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी प्राचीन तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों की देखभाल। टिप नंबर 1, पुराने जमाने में जब भी कोई माँ बच्चे को जन्म देती थी और घर वापस आती थी तो उसके बाद बच्चे और माँ को कुछ दिनों के लिए एक कमरे में बिल्कुल सेपरेट रखा जाता था और उस कमरे के अंदर किसी भी मित्र का जाना या फिर किसी अन्य पुरुष का जाना बिल्कुल भी वर्जित था, ताकि बच्चे और माँ दोनों को ही रोग और संक्रमण से बचाया जा सके। टिप नंबर 2, प्राचीन जमाने में या फिर प्राचीन तरीकों में एक यह तरीका भी देखा जाता था कि आयुर्वेदिक तेल से माँ की मालिश की जाती थी। ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती थी। टिप नंबर 3, प्राचीन जमाने में बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए गर्म तेल से बच्चे के शरीर की मालिश की जाती थी। ऐसा करने से बच्चे के शरीर, हड्डियों और मांसपेशियों को काफी ज्यादा मजबूती मिलती थी। टिप नंबर 4, बच्चे के लिए केवल माँ का दूध ही सब कुछ माना जाता था पुराने जमाने में, और बच्चे की माँ को नॉनवेज खाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि नॉनवेज के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क के जरिए। इसीलिए पुराने जमाने में भी ऐसा किया जाता था और उनकी वजह से बच्चे को रोग और संक्रमण से भी बचाया जाता था। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे प्राचीन जमाने के यानी कि प्राचीन तरीके जिससे आप बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।